हेलो फ्रेंड्स, माईसेल्फ सी ए राज चावला। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर हमारे स्क्रूटनी के नोटिसेस क्यों आते हैं, हमारा केस स्क्रूटनी में क्यों सेलेक्ट होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडम बेसिस पे स्क्रूटनी को सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि इन्फॉर्मेशन के बेस पे स्क्रूटनी को सेलेक्ट करता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारा केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट होता है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो टेक्निक्स को यूज़ करता है। पहली है AIR, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और दूसरी है SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को ऑथराइज किया है कि जिनकी ड्यूटी है, चाहे वो बैंक हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार है जहाँ हमारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, या कोऑपरेटिव बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, इन सब को ऑथराइज किया है कि आप अगर कोई पर्सन इस पर्टिकुलर लिमिट से अधिक कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करे कि इस पर्सन ने, जिसका ये पैन नंबर है, उसने ये ट्रांजेक्शन की है, और उसके आधार पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस को स्क्रूटनी में सेलेक्ट करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे AIR। AIR बोले तो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या होता है, सेक्शन 285BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड पर्सन विद स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, यानी कि स्पेसिफाइड पर्सनस हैं जिनको रिपोर्ट करना है और स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको रिपोर्ट करना है, यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन ने स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है एक रिपोर्ट के रूप में कि इस फला फला पर्सन ने ये ट्रांजेक्शन की हैं, और इसका केस आप स्क्रूटनी में लेना चाहें तो लीजिए। इसी के आधार पे, इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, या असेसिंग ऑफिसर है, वो केस को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करता है। चलिए हम आज इसकी बात करते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि हमारा केस स्क्रूटनी में ना आए। तो सबसे पहले है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि अगर हम किसी बैंक के अंदर 10 लाख रुपए या उससे अधिक कैश जमा करते हैं, या उसके अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के पे ऑर्डर बनवाते हैं, और सेविंग अकाउंट है हमारा, हम इंडिविजुअल हैं, तो ये बैंक की ड्यूटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि इस पर्सन ने 10 लाख रुपए से ज़्यादा इस पैन में, इस अकाउंट में कैश जमा किया है। और फिर उसके बाद वो रिपोर्ट चूँकि सबमिट हो जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बेस पे हमारे केस को स्क्रूटनी में डाल सकता है। और अगर हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में ये लिमिट जो है 50 लाख रुपए है, लेकिन 50 लाख रुपए जमा करें या निकालें, सेविंग के केस में तो सिर्फ जमा करने की बात करता है सेक्शन 285BA, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट के केस में जमा किए या निकाले, दोनों 50 लाख रुपए से अगर एक्सीड करेंगे तब उस केस में बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा कि इस पर्सन की ये ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, सपोज़ आज की डेट में हम सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में भी आप बैंक का अकाउंट रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इन लोगों की भी ड्यूटी है कि इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को वो इंटीमेट उसको करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। आज की डेट में ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्रेडिट कार्ड में किस लिमिट तक ट्रांजेक्शन करें ताकि हम, अगर हम डरते हैं कि हमारा केस स्क्रूटनी में ना आए, क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं, अगर केस एक बार स्क्रूटनी में आ गया तो हमारी और चीज़ें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाती हैं, और हम चाहते हैं कि हमें मेंटल हरासमेंट ना हो, तो क्यों ना हम इसकी प्रिकॉशन लें। तो हम क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड में अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा कैश जमा करते हैं, या 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी की ड्यूटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन जो हैं लिमिट से अधिक हैं। आइए हम उसके बाद बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन को 10 लाख रुपए से ज़्यादा एग्रीगेट में ज़्यादा प्राप्त होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFC कंपनी हैं, वो अगर किसी पर्सन से 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में जमा करती है, तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि वो उसको इन्फॉर्म करेगा। ऐसे ही
शेयर इशू के बारे में। अगर कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल या अदर देन इंडिविजुअल को शेयर इशू करती है और शेयर इशू की जो वैल्यू है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब उस केस के अंदर भी उस कंपनी की ड्यूटी है कि वो SFT के तहत, जो जिसकी अभी हमने बात की थी, SFT के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने 10 लाख रुपीस से ज़्यादा की वैल्यू की जो शेयर्स हैं उनकी कंपनी में सब्सक्राइब की है, तो ये उसको रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। अगर कोई पर्सन मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा के शेयर खरीदता है, तो जो हमारी SEBI है, से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करती है कि इनकी ट्रांजेक्शन जो हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसको रिपोर्ट करना होगा। आइए साहब, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड। आज की डेट में बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी 10 लाख रुपीज़ की ही लिमिट है। यानी कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो वो जो म्यूचुअल फंड इशू करने वाली कंपनी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे कि इन्होंने ये म्यूचुअल फंड 10 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए हैं और आपका नाम वगैरह सब रिपोर्ट उनको करना होगा। आइए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। जितने हमारे मनी एक्सचेंज वाले होते हैं जो RBI से अप्रूव्ड है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हैं और एक साल के अंदर आप कोई 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की फॉरेन एक्सचेंज उनसे खरीदते हैं, चाहे वो आप ट्रैवलर चेक के रूप में लेते हैं, करेंसी के रूप में लेते हैं, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड के रूप में लेते हैं, तब उस केस में भी आपको उनको जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डीलर है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है आपकी ट्रांजेक्शन के लिए। रजिस्ट्रार, आज की डेट में हर इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है और बेचता है, तो इसके लिए क्या है कि 30 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होने पे हमें सबको पता है कि पैन नंबर कंपलसरी है। 30 लाख से कम होगा तो एक बार रजिस्ट्रार आपके बिना पैन के भी रजिस्ट्री कर देगा, लेकिन 30 लाख रुपीज़ की ट्रांजेक्शन से ज़्यादा होने पे रजिस्ट्रार आपकी बिना पैन के रजिस्ट्री नहीं करेगा। और उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि 30 लाख रुपए से अधिक की ट्रांजेक्शन होने पे रजिस्ट्रार को आपकी परचेजर की और सेलर की दोनों की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, फिर उसके आधार पे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपके केस को स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर सकता है। आइए, अब हम सब जानते हैं टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। इसमें जो असेसी है, जो कंपनी है जिसका टैक्स ऑडिट हुआ है, उसको भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी पर्सन अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन कैश में करता है तो उस टैक्स ऑडिट कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भाई इस पर्सन की ये ट्रांजेक्शन है। अब एक आपने देखा होगा डीमोनिटाइजेशन हुआ था। डीमोनिटाइजेशन में क्या था, ये जो हमने अभी लिमिट की बात की है कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए और करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए, लेकिन डीमोनिटाइजेशन के पीरियड में इस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। तब सेविंग अकाउंट की जो हमारी लिमिट थी वो 2.5 लाख रुपए थी और करंट अकाउंट की जो लिमिट थी वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, यानी कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक वो लिमिट 2.5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट के लिए और करंट अकाउंट के लिए 12.5 लाख रुपए थी। आइए सर, उसके बाद बात करते हैं हम लोग बैंकिंग कंपनी की, कि जो बैंकिंग कंपनी है उसको भी अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें जो अकाउंट होल्डर है उसकी जो हमने लिमिट्स डिस्कस की हैं, इन सारी ट्रांजेक्शन्स को अपने असेसिंग ऑफिसर को, अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके कंसर्न्ड, क्योंकि आपका पैन नंबर दिया हुआ है तो जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो पैन नंबर में आपका जो असेसिंग ऑफिसर के पास अकाउंट होता है वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन चली जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आज की डेट में हम सब लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडम बेसिस पे कोई स्क्रूटनी को नहीं उठाता है, बल्कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड। और इन्फॉर्मेशन उसके पास कहाँ से आएगी, इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने कुछ एजेंसीज़ को ऑथराइज कर दिया है, रादर ऑथराइज के अलावा उनको ड्यूटी बाउंड कर दिया है कि उनको रिपोर्ट करना होगा। जैसे बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, NBFC कंपनीज हो गई, रजिस्ट्रार हो गए जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, पोस्ट ऑफिस हो गए, ये कुछ एजेंसियाज हैं।
तो उनकी इंफॉर्मेशन के बेस पे ही आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे केसेस को स्क्रूटनी में लेता है। एसएफटी की बात हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने कोई प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए की खरीदी, जब मैं उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए गया तो मुझे बिना पैन के तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती। मैंने वहाँ पे अपना पैन सबमिट कर दिया और जो रजिस्ट्रार है उसने अपनी ड्यूटी बाउंड होते हुए वो इन्फॉर्मेशन हमारे असेसिंग ऑफिसर को भेज दी, बायर के भी और सेलर को भी। और मैंने अपनी जब रिटर्न भरी, मैं वो ट्रांजेक्शन दिखाना भूल गया या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो क्या होगा? असेसिंग ऑफिसर उसकी मिसमैच को पकड़ लेगा। और वो भी क्या पकड़ेगा, उनके पास जो आज की डेट में हाईटेक सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसको कैच कर लेंगे कि इस पर्सन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से शो नहीं किया है, जबकि इसकी ट्रांजेक्शन वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से असेसिंग ऑफिसर हमारे केस को स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर लेगा और हमारे केस की स्क्रूटनी हो जाएगी। तो हमें ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी से ध्यान में रखनी है ताकि हमारा केस स्क्रूटनी में ना आए। और जिन लोगों की ड्यूटी है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, उनके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस है। क्योंकि हो सकता है कि वो लेट रिटर्न फाइल करें, तब क्या होगा? क्योंकि आज की डेट में जो उन्होंने दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 31 मई तक, जो एसएफटी और एआईआर है इनको फाइल करनी होती है, नहीं करते हैं तो 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगाई है उन लोगों पर जिनकी रिपोर्टिंग ड्यूटी है। तो इसलिए, क्योंकि आज की डेट में हम सब जानते हैं कि हमारी जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम है जो इंडिविजुअल्स हैं वो 31 जुलाई है, कंपनीज हैं 30th of September है, तो ये चाहते हैं कि उनके पास वो रिपोर्ट पहले हो ताकि कोई पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करता है और उसमें मिसमैच पाया जाता है तो इमीडिएटली उसका केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मिसमैच पाया जाएगा तभी वो केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये हैवी ट्रांजेक्शन्स है और उसकी पर्सन की जो कैपेसिटी है कुछ कम है, तो उसके बेस पे भी वो उस हमारे केस को। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड को इसके लिए ऑथराइज किया हुआ है। आपको पता होगा एनएसडीएल ने 3 सेंटर खोले हुए हैं। 3 सेंटर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग TDS काटते हैं उस TDS की रिपोर्ट वहाँ पे फाइल करते हैं, इसी तरह से जो SFT की भी इन्फॉर्मेशन है, जो ये ऑथराइज पर्सन्स हैं इन लोगों को 3 सेंटर पे वहाँ पे अपनी रिपोर्ट फाइल करनी होती है और वहाँ से वो CBDT को जाता है और CBDT उसके कंसर्न्ड जो असेसिंग ऑफिसर हैं उनको पास ऑन करता है। और दूसरा हमारा जो FAQ है वो क्या है कि जॉइंट पार्टीज अगर हैं तब क्या होगा। दोस्तों, जॉइंट पार्टी के केस में जिन लोगों का भी पैन नंबर वहाँ पे है, क्योंकि क्या होता है जब हम रजिस्ट्री के लिए जाते हैं और जॉइंट पार्टी का मैटर होता है जहाँ जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं 2 लोगों के 3 लोगों के उससे ज़्यादा के हैं, और कई बार होता है कि एक जो मेन पर्सन है या सेकेंड पर्सन है उसका पैन नंबर ही होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं लोगों को जाएगी। तो जॉइंट पार्टी के केस में जो फर्स्ट पार्टी है उसको जाएगा, बाकी असेसिंग ऑफिसर चाहे तो सभी को नोटिस इशू कर सकता है। अब आते हैं हम उस केस में कि कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी है या फर्म है उसकी कई जगहों पे ब्रांचेज हैं। अब ब्रांचेज हैं और सबके अलग अलग बैंक के अकाउंट्स हैं, तब हम उसमें केस में क्या करेंगे? तब उस केस में हमें एक सिंगल ही अपनी AIR फाइल करनी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें अलग अलग हर ब्रांच की, अपने हर ऑफिस की AIR फाइल करनी है, इसके लिए हमें कंबाइंड AIR हम फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग आवर दिस प्रोग्राम ऑन AIR, और नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम अपना SFT का प्रोग्राम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।